हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं एक एग्जाम सेंटर में। टारगेट विथ अंकित की पूरी टीम आ चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ी देर में आपको बच्चों का रिव्यू लेकर बताएंगे कि बच्चे पेपर कैसे आया था। वो सारी बातें अभी थोड़ी देर में आपसे अपडेट करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, शायद इनका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है और बहुत सारे बच्चे अंदर हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे ही वो एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, तो पेपर कैसा रहा, क्या लेवल रहा, क्या पेपर कल की तरह मॉडरेट रहा, कैसा रहा, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो बच्चों से बात करके सारा रिव्यू आप तक पहुंचाएंगे। आपका नाम क्या है? शिवानी तोमर। शिवानी जी हमसे जुड़ी हुई है, तो एक बार आप बताएंगे आपकी प्रिपरेशन कैसी है अभी फिलहाल, आपको क्या लग रहा है? यस सर, श्योर। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ऑलरेडी लास्ट 6 to 8 months से प्रिपरेशन कर रही थी, एंड इस टाइम पे मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की, और जो लास्ट जो दो शिफ्ट के एग्जाम गए उनको देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा चांस है इस बार। इस बार चांस है, क्योंकि एग्जाम जो है वो मॉडरेट रहा है कल का, तो इनको लग रहा है कि इनका प्रिपरेशन बहुत ठीक ठाक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमसे एक बच्ची जुड़ चुकी है, एक बार बात करते हैं। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी जुड़ चुकी है। खुशी, आपकी प्रिपरेशन कैसी है? गुड, अच्छी है। अच्छी है। आप कहाँ से आए हैं? लोनी से आए हैं, यहाँ से थोड़ा दूर है लोनी, वहाँ से आए हुए हैं। तो कल आपने रिव्यू देखा था, मतलब कल जो एग्जाम हुआ उसको आपने एनालाइज किया, क्या आप पेपर का लेवल क्या रहा, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको क्या पता चला? प्रिपरेशन पेपर का लेवल भी ठीक था, प्रिपरेशन भी अच्छी है। बहुत बढ़िया, इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, और आशा करते हैं इनका एग्जाम भी बहुत बेहतर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? मुकुल। तो आज का पेपर कैसा रहा? मॉडरेट सेम है भैया, बिल्कुल सेम है। तो करंट के क्वेश्चन कैसे रहे, जैसे लास्ट टाइम? बस जीएस में करंट ही हार्ड है थोड़ी सी, बस थोड़ी सी यही, वो भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल भी करंट के क्वेश्चन भी थोड़े से मुश्किल रहे थे, लेकिन ये कि मुकुल जी कह रहे हैं कि बाकी चीजें ठीक रही, बाकी मैथ और रीजनिंग का क्या हाल है? आसान है, आसान आया हुआ है। हिंदी का क्या हाल रहा? हिंदी भी थोड़ी, मतलब एक आधी क्वेश्चन ही कह रहे, बाकी सब आसान है। मतलब हिंदी भी कल जैसी ही है, सेम है। तो लगभग सेम पेपर है जैसा कल का था, बाकी देखते हैं क्या मेरिट रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुकुल जी ने अच्छे से बात करी, थैंक यू वेरी मच। तो एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं आफ्टर एग्जाम, आपका नाम क्या है? अन्नू नाम है मेरा। अन्नू जी जुड़ चुके हैं, तो कहाँ से आए हैं पहले तो ये बताएं? बाईपास विजयनगर से। तो सब पहले तो ये बताएं, एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम तो बढ़िया था। एग्जाम बढ़िया रहा, तो कल के हिसाब से, जो कल एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से कंपेयर अगर किया जाए, क्योंकि कल भी आपने पेपर देखा ही होगा, तो कल के हिसाब से क्या मॉडरेट रहा या कैसा पेपर रहा, आप क्या बताना चाहेंगे? एग्जाम तो मॉडरेट ही था, लेकिन जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन थे वो लेंथी थे, उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा, और 2 घंटे का समय थोड़ा कम लगा इस वजह से। रीजनिंग के क्वेश्चन लेंथी आए हुए हैं, राइट, थोड़ा कैलकुलेटिव है ऐसा कहना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम वहाँ से लग रहा है, राइट। और बाकी हिंदी का क्या सेक्शन रहा, जीएस का क्या रहा, एक बार बता सकते हैं? हिंदी जीएस तो नॉर्मली था, इतना कुछ ऐसे नहीं था, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगा उसको पढ़ने में और उसका आंसर निकालने में। रीजनिंग का जो सेक्शन है थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो जिनका शाम में पेपर है उनके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि रीजनिंग बढ़िया से थोड़ा देख के जाए, रीजनिंग को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि लेबल थोड़ा सा बना रहे हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया इन्होंने अनु जी ने, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? जनवीज आ रही है। जनवीज, तो आप बताए एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम भाई बढ़िया रहा था, बहुत ही बढ़िया एग्जाम, बहुत ही बढ़िया रहा। जैसा कल का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर बढ़िया बता रहे थे, ऐसे ही पेपर अब की बार आया। कल जो पेपर था सेम वैसा ही पेपर था, बहुत बढ़िया। तो रीजनिंग का जो सेक्शन था कल, 10 से 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा पढ़ने में टाइम जा रहा था बच्चों का, देखो तो आज के हिसाब से क्या रहा? क्वेश्चन कुछ तो ऐसे आ गए, एक दो क्वेश्चन लेंथी करे भाई, जिसका टाइम खराब हो गया ना, तो कुल मिलाएगा बढ़िया था सारा सिस्टम। ओके ओके, तो बाकी मैथ्स वाला सेक्शन या हिंदी वाला सेक्शन कैसा रहा, एक बार? हिंदी का सेक्शन तो बड़ा आसान था, देखो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया 10-15 दिन अपने घर, तो हिंदी का सेक्शन तो होगा, और रहा मैथ का सेक्शन, देखो 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, जिन्होंने टाइम लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिला के बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू है, ये कह रहे हैं कि जो कल का पेपर था, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने देखा होगा, लगभग वैसा ही पेपर है, कोई कुछ खास अंतर पेपर में नहीं है, और बाकी जो मैथ्स और हिंदी है उसका भी लेवल वैसा ही है, हिंदी किसी ने अगर ध्यान से पढ़ी है तो ठीक ठाक स्कोर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है सर? विल्सन सांगवान। विल्सन सांगवान जी जुड़ चुके हैं, तो विल्सन सांगवान जी आपका एग्जाम कैसा रहा पहले तो ये बताएं? एग्जाम काफी अच्छा रहा। एग्जाम बहुत अच्छा रहा, बाकी आप क्या रिव्यू देना चाहते हैं, जो अलग अलग सेक्शन हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, क्या रिव्यू देना चाहते हैं कि कैसा रहा? मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट था, माने कि इतना अच्छा था, बस थोड़ा मैथ तो मुझे टफ लगा, और तो कुछ था नहीं, और रीजनिंग काफी आसान थी, और हिंदी भी नॉर्मल थी, इतनी ज्यादा खास न थी। बहुत बढ़िया, एक और स्टूडेंट से बात करते हैं जी, आपका नाम क्या है? शिवम राणा। शिवम राणा जी जुड़ चुके हैं, आपका एग्जाम कैसा रहा पहले तो ये बताएं? सर अच्छा रहा हमारा,
एग्जाम अच्छा रहा। बाकी कल के हिसाब से जो रीजनिंग मैथ्स और अलग अलग सेक्शन पे जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे रहे, मतलब कल के हिसाब से अगर कंपेयर करना हो? नहीं, मिडिल थे बिल्कुल, ना ज्यादा हार्ड थे ना ज्यादा हल्के थे, दोनों मिडिल थे। बाकी रीजनिंग थोड़ी मीडियम थी, ना ज्यादा हार्ड ना, बल्कि मैथ थोड़ा टिपिकल था। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि जो रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी है, बाकी कल जैसा ही पेपर है। तो बहुत सारे बच्चों से बात करके जो एक चीज निकल के आ रही है वो ये है कि रीजनिंग का सेक्शन के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंदी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी बहुत सारे बच्चों ने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, आप इसे देखकर अगर सेकंड शिफ्ट में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक और बच्चे से जुड़ते हैं, आपका नाम क्या है? अमान खान। अमान जी जुड़ चुके हैं। अमान, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो बस सही रहा, टाइम देगा बहुत। पेपर अच्छा रहा लेकिन टाइम ले गया रीजनिंग बहुत। टाइम, हाँ, रीजनिंग टाइम ले गया। तो ये बच्चों सेकंड शिफ्ट वालों के लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि रीजनिंग किसी के पूरा 120-130 इतने अटेम्प्ट पहुंचते हैं, बस अटेम्प्ट थोड़े कम हो रहे हैं, रीजनिंग थोड़ी लेंदी आ रही है इस वजह से। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी और जो सेक्शन है जैसे हिंदी वाला सेक्शन है बहुत इजी है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर, ऊपर से कोई शक का कुछ भी डीप नहीं है, बहुत आसान है हिंदी, आसान है। मैथ्स वाला सेक्शन कैसा रहा? मैथ भी बस नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं कहते। हाँ, मतलब कि जो जिसके बेसिक्स क्लियर है वो कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर एक यही मैसेज जो निकल के आ रहा है वो ये है कि जो रीजनिंग का सेक्शन है वो थोड़े से उसके 10 से 15 क्वेश्चन घुमावदार है, तो उसको थोड़ा देख के जाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें ठीक है। बच्चों का जो एक रिव्यू है वो बहुत बेहतर शानदार है। तो एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? प्रभात कुमार। प्रभात जी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रभात जी, आपका एग्जाम कैसा रहा पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा रहा भैया, एग्जाम अच्छा रहा, बहुत शानदार। अच्छा, जो रीजनिंग का सेक्शन है जो बहुत सारे बच्चे अलग अलग अपना रिव्यू रीजनिंग को लेकर दे रहे हैं, आपका मानना क्या है, रीजनिंग कैसी रही? अच्छी रही थी रीजनिंग, ठीक ठाक थी। कल के हिसाब से पेपर को अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप क्या कहेंगे? बहुत अलग था मगर कल से, कल के हिसाब से अलग एग्जाम था प्रभात जी का कहना है। बाकी जो हिंदी वाला सेक्शन था वो कैसा था? वो अच्छा था। तो देखते हैं, बाकी मेरिट पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो एक चीज निकल के आ रही है बच्चों से वो ये है कि कल के हिसाब से लगभग पेपर वैसा ही है, मॉडरेट सा ही है, और बाकी रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो प्रभात जी कह रहे हैं आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी तो चीजें वैसे ही है, सिमिलर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? मोहित प्रसाद नाम है मेरा। मोहित प्रसाद जी बड़े इंटरेस्टिंग से व्यक्ति, इन्होंने कहा कि 8th क्लास का बच्चा भी इस पेपर को कर सकता था, तो एक बार इनका रिव्यू जानते हैं कि कैसा रहा एग्जाम और कल से आप कैसे कंपेयर करेंगे पेपर को? एग्जाम तो काफी ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा गया था, 8th क्लास का बच्चा भी एग्जाम पास कर देगा, बट थोड़े टाइम बहुत कम मिला था, लाइक 150 क्वेश्चन थे और टाइम बस 120 मिनट का आसपास था, तो टाइम कम था और ज्यादा क्वेश्चन थे तो उतना, मतलब एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देना नहीं था। और आपका अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट कितना रहा आपका? मेरे तो 146 क्वेश्चंस तो मैंने काफी ज्यादा कर लिए थे। बहुत बहुत शानदार अटेम्प्ट रहा और इनका पेपर अच्छा गया, ऐसा इनका कहना है। और एग्जाम का लेवल कल जैसा ही था? हाँ, एग्जाम हुआ कल मेरे फ्रेंड का था अभी, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने थोड़ा टाइम को मैनेज करके चल रहा था, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था मैं। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। हाँ, अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं, आपका एग्जाम कैसे रहा पहले? एग्जाम ठीक था, कल नॉर्मल एग्जाम था बिल्कुल, मैथ काफी सरल आ रही है, सब सरल आ रहा है, सरल आ रहा है। yes, तो बाकी हिंदी वाला जो सेक्शन है और रीजनिंग वाला सेक्शन, उसके बारे में बताएं बच्चों को। हिंदी तो सरल, रीजनिंग में वो भाषा ज्यादा आ रही है, तर्क वितर्क। कल भी ऐसे 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे जो भाषा पे थोड़ा घुमा रहे थे, तो आज भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले? आज भी ऐसे क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, उसमें ज्यादा रीजनिंग टाइम खा रही है और कुछ नहीं, पेपर तो नॉर्मल ही थी। कुल मिला के रीजनिंग थोड़ी घुमावदार है ऐसा कहना है भाई का। और बाकी आपका अटेम्प्ट क्या रहा? हमारा अटेम्प्ट 120+ रहा। हाँ, ये गुड अटेम्प्ट है, मतलब पेपर के हिसाब से बहुत बढ़िया। तो आशा करते हैं आपका सिलेक्शन हो, आप एक पुलिसकर्मी बने, देश की सेवा करें। तो ऐसे ही जुड़े रहें, थैंक यू वेरी मच।